गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ना तो बोर्ड है ना ही मार्कर है, और आज हम हमारे कुछ क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करेंगे। स्टोरी टाइप में मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहें केवल। जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 1498 के टाइम की बात है, जब पुर्तगाली भारत के अंदर आते हैं। वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति भारत के समुद्री यात्रा की, समुद्री मार्ग की खोज करता है। उससे पहले 1492 में एक व्यक्ति और थे जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी थी, अमेरिका और वेस्ट इंडीज की। पुर्तगालियों के बारे में और बातें करें तो 1503 में ये अपनी पहली फैक्ट्री कोचिन में लगाते हैं। 1612 में पुर्तगालियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध भी होता है जिसको कहते हैं सवाली का युद्ध, जिसमें कैप्टन बेस्ट नाम के व्यक्ति ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। उस युद्ध के बाद जहांगीर ने पुर्तगालियों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी, और उन्होंने 1613 में सूरत के अंदर फैक्ट्री लगाई। फिर 1608 में उन्होंने एक अस्थाई फैक्ट्री भी सूरत में लगाई थी। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत में उन्होंने पहली फैक्ट्री कब लगाई, तो 1611 में मसूलीपट्टनम नामक जगह पे लगाई है। पुर्तगालियों को पुर्तगाल की सरकार ने दो ही बातें बोली थी कि आप लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो, और वहां पे ब्लू वाटर नीति अपनाओ, शांत जल की नीति, अर्थात हिंद महासागर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करो। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला वायसराय फ्रांसिसी को द अल्मेडा नाम के व्यक्ति को भेजा था, लेकिन फ्रांस पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्बुकर्क नाम के व्यक्ति को माना जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था और गोवा को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। भारत ने गोवा को 1961 में आज़ाद कराया है, और 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था पहले, उसके बाद फिर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था गोवा को। दूसरे नंबर पर बात करें, 31 दिसंबर 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। इस कंपनी का पहले नाम मर्चेंट एडवेंचर्स था। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, उस समय भारत के अंदर मुगलों की तरफ से शासन अकबर के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अकबर का जो टाइम पीरियड था वो 1542 से लेके 1605 तक रहता है। तो जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, उस समय वहां की महारानी एलिजाबेथ थी। कैप्टन हॉकिंस नाम का व्यक्ति सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में भारत पहुंचता है। मिलने तो अकबर से ही आता है, लेकिन उस समय अकबर भगवान को प्यारे हो चुके होते हैं, और वो मुगल कालीन जो भाषा थी, उनकी जो राजकीय भाषा थी, वो फारसी थी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में बात की थी, तो उसका आंसर होगा फारसी भाषा में बात की थी। 1602 की बात अगर मैं करता हूं तो डच भारत में आते हैं, और डच 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं जो मसूलीपट्टनम में लगाई जाती है। और 1759 में डचों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हो जाता है जिसको बोलते हैं बेदरा का युद्ध, और उस बेदरा के युद्ध में डचों की हार हो जाती है। डच इन्हें ओलैंडवासी कहा जाता था। 1616 डेनमार्क कंपनी का गठन किया जाता 1616 में। उसके बाद 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का गठन किया जाता है, और फ्रांसीसी अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में भारत में लगाते हैं जो सूरत में लगाई जाती है। फ्रांसीसियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध होता है वो 1760 में होता है, जिसको हम वांडीवासा का युद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है। अब धीरे धीरे हम इस वीडियो को, इन जो सीरीज है, इसको ऐसे ही जारी रखेंगे, और आप लोगों को इसी तरीके से मैं क्वेश्चन आंसर बताने की कोशिश करूंगा। तो फिर जैसे ही आप लोगों को अब पता चल गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली, डेनमार्क, फ्रांसीसी, होलैंडवासी, अब एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, दो क्वेश्चन आते हैं, उन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोग मुझे दें कि किस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर आर्थिक नियंत्रण हो गया था, और किस युद्ध के बाद
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण हो गया था। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। उसके बाद जब कल हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इतने कम टाइम की वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इसका मतलब अगर 10 मिनट भी हम वीडियो बनाते हैं तो 10 मिनट में भी लगभग 50 क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे और आप लोगों को चीज़ों को याद करवाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।